रिजर्व पार्किंग चाहिए, फाउंटेन लगा रखे एक साथ लाइन से। अब मस्त लग रहा ना, ये गेट दोनों साइड, और ये है अमरीक सुखदेव। ये मैं जा रहा हूं कुंडली अपनी बाइक चलाते हुए। ये सारा नजारा है और मैं बाइक के मजे ले रहा हूं। मेरे पीछे देखो कोई है ही नहीं, मैं अकेला अकेला चल रहा हूं। मेरे आगे है जो कोई है आगे बाइक। अरे भाई साहब इतनी भी क्यों जल्दी मचा रहे हो, थोड़ा सा लंबा कट ले लो, एकदम से छोट कट लेना है, मेरे से टक्कर हो जाएगी बैठे बैठे। तो भाई साहब आ गए हम रेला पार करके, और मुझे की बात देखो, मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले ही ना, वो वीडियो में अभी आवाज ही नहीं आएगी कि विंड ब्लास्ट बहुत तेज आ रहा है। मैंने सेटिंग ही नहीं की थी कि मेरा माइक इसके साथ कनेक्ट हो, मैंने बस ऐसे ही फोन के साथ इसको जोड़ा, OTG कर दिया और उसके बाद शुरू हो गया। चलो अब हम आ गए हैं नरेला बॉर्डर पार करके, ये है कुंडली शायद होटल व्हाइट हाउस, और एक साइड में हमारे बना हुआ महिंद्रा का KFC खुला हुआ है। KFC मजा आएगा यार, आएंगे KFC में। अभी तो हम जा रहे हैं सुखदेव, और हो सकता है यहाँ से मैं निकल जाऊँ सीधा पानीपत, लंबा घूम के आए। देखो ये TDI में देखने आया था मैं भी, इसके बैक साइड पे तो छोटे छोटे से मकान है, मतलब एक तरह से बिला का हो या कुछ भी को, दो दो मंजिल की है ग्राउंड फर्स्ट, और ये जो फ्रंट पे है ये है बिल्डिंग सही। मगर यहाँ पानी बड़ा खारा है और बहुत ज्यादा सील है, सीपेज की दिक्कत बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ये भी एक मंदिर बना हुआ छोटा सा, पानीपत सीधा सीधा ही जा रहे हैं सर, हम भी जाएंगे घूम के आएंगे पानीपत। ये देखो भाई सारा बिल्डिंग का जंगल बना हुआ है, मकान ही मकान, फ्लोर ही फ्लोर, जिससे हम ये बने थे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था, मतलब बनने के बाद भी काफी टाइम तक लोग रहने नहीं आए। मगर अब दिल्ली एक ऐसी जगह होती जा रही है जहाँ पर अब फ्लैट्स की बहुत दिक्कत है, जमीन की बहुत दिक्कत है, तो अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर शिफ्ट होने शुरू हो गए, आबादी बढ़ गई, ये मार्केट भी सारी चालू हो गई है। ये देख रहे हो बहुत भीड़ हो गई है यहाँ पे भी, बहुत ज्यादा हो गया, दिल्ली ना फैलता जा रहा है। ये भी एक तरह से NCR ही है, दिल्ली NCR की गिनती में आता है एक तरह का। ये देखो ये सोसाइटी भी अच्छी लग रही है ना, इसके टॉप फ्लोर पे ले लो और मस्त मजा आएगा। अब ये टू साइड या वन साइड ना पता नहीं, टू साइड के ज्यादा ही मजा आता है। ये टंकी सी क्या बना रखी है, इसमें पानी है क्या, पानी तो लग नहीं रहा, ये तो बिल्डिंग सी लग रही है, ऊपर गोल ऑफिस होगा। पानीपत अब भी सीधा KMP के लिए लेफ्ट जाना है हमने, हमें KMP जाना ही नहीं, पता नहीं कौन सा एक्सप्रेस है वहां पे बाइक अलाउड है या नहीं है, मैं चढ़ जाऊँ और मेरा चलान कट जाए बैठे बैठे का नुकसान हो जाएगा, तो इससे अच्छा यही है ऐसे ही चल लो। शिवा ढाबा, ये ढाबा का चलन वहां पे भी बहुत हो गया, जब हम वृंदावन मथुरा के लिए निकलते हैं वहां पे भी बहुत ढाबे मिलते हैं, गुलशन ढाबा, ओरिजिनल गुलशन, ओरिजिनल ये ओरिजिनल वो, 110%, ये पता नहीं क्यों लिखते भाई। सनसेट भी होने वाला है, मौसम अच्छा है इस टाइम, घूमने का अलग ही मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, वेदर भी अच्छा है, और हम जा रहे हैं हमारी बुलेट पे घूमने। साइड पर लाइट लगवाई है मैंने ये छोटी वाली, मगर इसकी ज्यादा अच्छी रोशनी नहीं है, ठीक है टाइम पास हो जाता है। वाओ ग्रीनरी, ये ग्रीनरी दिल्ली में तो बहुत मुश्किल देखने को मिलती है। अब मेरे घर के पास भी थोड़ा सा गांव टाइप एरिया है जहां पर अभी भी खेती बाड़ी होती है, राई गांव, उल्टे हाथ मुड़ेंगे तो राई गांव है, राई प्लेस। हमें जाना है सीधा, ये 0705 ये क्यों लिखा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, अब तो सारा फ्लाईओवर बना दिया भाई।
ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो मैं पहले कभी आता था। आज से करीब मैं गया हुआ, देखिए एक साल हो गया गुरु गए हुए, एक साल पहले तक ये सारे फ्लाईओवर बन रहे थे, अब बन गए इसलिए अब ट्रैफिक नहीं लगा। गोल्डन हट 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 हम नहीं आ रहे, उन्हें यहाँ पर वाइन की शॉप खोली है, हम नहीं आएंगे। हाईवे पे भी वाइन शॉप खोली हुई है, जबकि गवर्नमेंट ने रूल निकाला था, एक नॉर्म्स आया था कि हाईवे पे वाइन शॉप नहीं होगी, उसको बाहर अलाउड नहीं करेंगे। तो यहाँ तो बहुत सारी खुली हुई है वाइन शॉप। बढ़िया किया, अच्छा डिसीजन लिया, घूमने निकलने का, घर बैठे रहने से तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस बिल्डिंग का, हाँ भाई अब ठंडी ठंडी हवा लगने लग गई, कहीं से फिर तबीयत खराब ना हो जाए। इतने दिनों से वैसी तबीयत खट्टी मीठी चल रही थी, अब अपना एक ऐसा भी बंदोबस्त करके चलेंगे कि मोबाइल को हाथ से ना पकड़ना पड़े। अभी लो बजट में काम कर रहे हैं, बजट बढ़ाएंगे। भाई मौसम एकदम से ऐसा हो गया, बारिश आएगी, सनसेट भी होने वाला है, यहाँ पे भी खेती हो रही है। बॉर्डर के पास बहुत सारे खेत है, मगर लोग लोग अब इसको बेच रहे हैं, बिल्डर्स यहाँ पर अपने मकान बना देते हैं, फिर वही सारा सीमेंट का जंगल, हरियाली खत्म, ग्रीनरी के नाम पे कुछ है नहीं, ऑक्सीजन लेवल लो पे लो होता जा रहा है, वाटर लेवल घटता जा रहा है, मगर कोई इस बारे में सोचता ही नहीं। और हमारी बाइक की स्पीड है 60, हम अपने लिमिट में चल रहे हैं। ओहो दावत की फैक्ट्री यहाँ से आता है, दावत चावल दिल्ली की सप्लाई यहाँ से है क्या? फिर पानीपत सीधा सेक्टर 7 साई स्टेडियम है लेफ्ट में, फिर एग्जिट 09। कितने एग्जिट आ रहे हैं, मतलब जितने भी लेफ्ट आ रहे हैं फ्लाईओवर, अच्छा ये फ्लाईओवर के नीचे से निकलने वाला रास्ता होता होगा एग्जिट 09, अगर आगे कोई फ्लाईओवर है क्या? नहीं, हाँ है, हर फ्लाईओवर के नीचे से, मतलब ये मैं नोवा फ्लाईओवर पे छोड़ रहा हूँ, मतलब ये नोवा फ्लाईओवर है मेरे यहाँ, फिर जिसके नीचे से मैं, सॉरी जिसके ऊपर से मैं जा रहा हूँ। इन ट्रक वाले भाई साहब को क्या हो गया, साइड में रुक जी, काउंटिंग चल रही है, अब समझ में आया, लिटल लिटल समझ में आया, लिटल लिटल। छोटा सा जिम भी लगा रखा है, कुछ लोग हैं जो आए हैं ताऊ देवीलाल पार्क, ये है ताऊ देवीलाल पार्क, काफी बड़ा बना रखा है भाई ताऊ देवीलाल पार्क। देखो फिर दोबारा वाइन शॉप, भाई कितना दारू पिलाओगे, लेफ्ट में भी गई है राइट में भी गई, वाइन शॉप वाइन शॉप। बर्गर किंग, हल्दीराम, ये ऐसा इस हाईवे की, मगर जो मैं कह रहा हूँ ना खाटू श्याम जाऊंगा उस हाईवे पे मेरे ख्याल नहीं बने हुए, मैं बहुत पहले गया था एक बार जयपुर, उस हाईवे पे मेरे को नहीं मिला कुछ भी खाने के लिए, भाई मैं तरस गया था, अपने घर से ही लेके चलो जो कुछ चुगना लेके खाने पीने का। ये भी फ्लैट सही बने हुए, सोसाइटी अच्छी लग रही है देखने में, मगर मजा है भाई, एक हाथ से चला रहा हूँ बाइक, एक बार भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई तगड़ा बम्प आया हुआ, मस्त। अगर कोई अपना ब्रेक मारने की जरूरत ना पड़े ना, तो बंदा अपना क्रूज कंट्रोल लगाए और सीधा सीधा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना बढ़िया हाईवे बना हुआ ये, जुरासिक वाटर पार्क, और उसके सामने ये लोग बागों के लिए रेजिडेंशियल सोसाइटी बनी हुई है, इनके आशा जब दिल करे यहाँ से फाके चले जाओ, जब दिल करे वापस घर आ जाओ। बढ़िया यार, कुछ कुछ एरिया में छोटे छोटे करके उन्होंने बना रखा है एरिया, जिसमें फ्लैट बना दिए अच्छे खासे, ओ भाई साहब सही बना रखी है, बस इसकी हाइट नहीं थी और इस बिल्डिंग में हाइट दे रखी है, मगर वही देखो सी पिच फ्रंट पे, तो सोचो अंदर कितनी होगी। सी पिच की बहुत दिक्कत है, एक तो पानी यहाँ का खारा है ना, इसलिए सी पिच को लेकर दिक्कत आती है। मौसम भी अच्छा ठंडा हो गया अब तो, और हाईवे है यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही है साएं साएं करती हुई, ओहो क्या ठंडी ठंडी हवा फेंकती हुई जाती है, मगर जब कोई बड़ी गाड़ी जाती है साइलेंसर के धुएं से जो थोड़ा बहुत आता है ना गर्म गर्म, वो सर्द गर्म सा हो जाता है।
अब हम सीधे पूछने वाले हैं। एसी रूम, पहलवान ढाबा, मेरा पहलवान ढाबा, मुरथल ढाबा, तिरंगा ढाबा, गुलशन ढाबा, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ की, मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर, गुलशन ढाबा एक और, मन्नत। अब तो ढाबा ढाबा नहीं रहा भाई, फाइव स्टार होटल बन गया। 70 माइल स्टोन, बढ़िया, उसका खाना भी मैंने एक बार खाया था। ये आ गया आपका झिलमिल, मंगला ढाबा, मैं फिर से पाया वो चढ़ गया, पानीपत यहां से रह गया 37 किलोमीटर। ये वहां कहीं आग लग गई क्या, जो धुआं उठ रहा है, या किसी ने पराली जला दी, कुछ भी हो सकता है, मैं क्या पता। खेत है, हो सकता है पराली जलाई हो। सनसेट देखो कितना मस्त लग रहा है, देख लो दो दो जहाज खड़े कर रखे हैं, एरोप्लेन, रेस्टोरेंट बना रखा होगा, जहाज पे बैठ के खाओ, फीलिंग लो। जो लोग नहीं बैठ पाए जहाज पे तो उनको फीलिंग अच्छी मिल जाएगी। नीलकंठ स्टार, क्या बात है भाई, बिल्डिंग पे खर्चा तगड़ा करना था। हम आ गए हैं, हम पहुंचने वाले हैं। पानी पर बहुत दूर हो जाएगा यार, ठंड लगने लग जाएगी, वैसी तबीयत अभी खराब थी, कहीं और ना बिगड़ जाए। वाइन शॉप बहुत खुली हुई है, बहुत खुली हुई है। ये आ गया अमरीक सुखदेव, ये है अमरीक सुखदेव ढाबा, ये बिल्डिंग इसकी, रिजर्व पार्किंग, ये फाउंटेन लगा रखे एक साथ लाइन से, अब मस्त लग रहा ना। ये गेट दोनों साइड, और ये है अमरीक सुखदेव। पिकल शॉप, कैंडी शॉप, टॉय शॉप, काफी बड़ा हो गया भाई, इसने भी साइड से अच्छा खरीद लिया। ये सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, द फनलैंड मोबाइल शॉप एस, और क्या है, टॉयज वगैरह ज्यादा है, कैंडी है, पिकल शॉप। 360 के लिए लगा रखा है कैमरा, जिनको 360 वीडियो करानी हो उसके लिए। ये मैं आ गया सुखदेव घूमता हुआ, अब खाने का देखते हैं क्या खाना है। चाट पापड़ी, ये सारा है खाने का आइटम, रसगुल्ला, स्वीट्स, फ्रूट रबड़ी, कोकोनट नहीं चाहिए, पाइनएप्पल नहीं चलेगा, मलाई रोल चलेगा, मलाई लच्छा एक है, अंगूर रस मलाई, केसर पिस्ता, कुल्लर स्वीट लस्सी, फ्रूट रबड़ी ले लेते हैं, फ्रूट रबड़ी ये वाली, ये लेते हैं ये फ्रूट रबड़ी, 103 रुपीस। अब स्पून ये वाली है, चलो ये हमारी फ्रूट रबड़ी 103 रुपए की, ये अपनी फ्रूट रबड़ी अच्छी है, टेस्टी है, सुखदेव पे बैठ के खा रहा हूँ। ऐसे ठंडा मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं कुछ तो खाने का दिल कर ही रहा था, आया हुआ तो कुछ ना खाऊंगा। अच्छा मगर है भी सही, क्या कहें, जब खाने के मजे लेंगे तो बिल तो भरना पड़ेगा, वो चीज है। अंदर तो बहुत भीड़ है, अंदर मैं बैठा नहीं, ये बाहर ही बैठ गया, बाहर का भी सही है। देखो ये लाइटिंग लगा रखी है, बोल चुका रहा, और ये हमारी रबड़ी
फ्रूट रबड़ी, वो एलईडी लगी हुई है, गाने चल रहे हैं लेके प्रभु का नाम। ये एक चार्ली चैपलिन बन के बैठे हैं भाई साहब, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं इनके साथ। ये सेल्फी स्टैंड और ये फाउंटेन मस्त लग रहा है। अब मैं आ गया बाहर की साइड, ये बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने बना रखे हैं और झूले से बना रखे हैं। फिर सारी पार्किंग, ये है सुखदेव, ये है सारा सुखदेव ढाबा। ये जो बगल में लिखा ना पार्क रेजिडेंसी, ये होता था पहले गर्म धर्म, ये उसका बोर्ड लगा हुआ गर्म धर्म, ये तो मेरे ख्याल अब बंद सा हो गया। चलो चलते हैं भाई, आए थे घूमने के लिए, लॉन्ग राइड के लिए, लॉन्ग राइड के मजे ले लिए, लॉन्ग राइड करने आए थे, लॉन्ग राइड हो गई, अब वापस चलते हैं घर। मौसम अब ठंडा होता जा रहा है, ऊपर से मैंने ले ली है रबड़ी और ठंडा, अब शायद ठंड ना लग जाए, नहीं लगेगी यार, सब अच्छा होगा, बढ़िया। ये हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है पीछे, ऊपर बेखल रहने के लिए होटल भी बने हुए हैं, रूम्स बना रखे हैं ऊपर। चलो सही से, अब वापस पहुंचते हैं घर के लिए। अभी रीडिंग आ रही है 3952 पॉइंट समथिंग है, और मैं खड़ा हूँ बिल्कुल अमरीक सुखदेव के सामने। अब घर पहुंचते हुए देखते हैं रीडिंग कितनी आती है, यहाँ से कितने किलोमीटर है हमारा घर। ओ भाई कैमल बाइक भी होती है यहाँ पे, तो दो दो कैमल जा रहे हैं। अब यहाँ से घर पहुंचते हैं, देखते हैं कितने किलोमीटर हमारे को पड़ता है हमारा घर। यहाँ से अमरीक सुखदेव से हम निकल रहे हैं घर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं घर जाके कितने किलोमीटर, रास्ते में कुछ और अच्छा मिला तो वो भी दिखाऊंगा। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर के लिए दिल्ली। टाइम हो गया भाई मेरे ख्याल 6:40 टाइम हो चुका है, लाइटें ऑन हो गई हैं, हमने अभी पार्किंग लाइट ऑन की अपनी बाइक की, हेडलाइट ऑन नहीं की, और जो अभी नवी लाइट लगवाई ना ये वाली, इसे भी टेस्ट कर लेंगे। मैं जब चंडीगढ़ गया था तब भी लगवाई थी, वो थोड़े टाइम चली, दोबारा लगाई है। KFC में खाएं, अभी वैसे भी मैंने वो खाया यार रबड़ी, फिर वो नॉनवेज खाओ गड़बड़ ना हो जाए, देखी जाएगी मूड किया तो घुस जाएंगे। 6:40 और हम अपनी एवरेज मेंटेन करेंगे 50-60 की स्पीड, और आ रहे हैं 60 किलोमीटर, मतलब हमारे को लगेगा 1 घंटा। झिलमिल यार, सही लाइटिंग कर रखी है झिलमिल वाले ने भी, बढ़िया लग रहा है दिन में इतना इंटरेस्ट का, रात को तो यहाँ पे सारे लाइटिंग ऑन हो जाती है ना, तो सब ढाबे वाले अपनी अपनी डेकोरेशन देख रहे हो, सबने अपनी अपनी डेकोरेशन शुरू कर दी है, दिखा रहे हैं कि हम अपना एक अलग ही ढाबा लेके बैठे। गुलशन ढाबा वाला थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। जय बजरंगबली जी, हर हर महादेव। अभी इसी मंदिर से निकले थे ना, अभी ये दोस्ती पे मार को मिला, इनके सही मुझे यार, ये पास में रहते हैं, यहाँ से सीधा जाके खा सकते हैं, मगर रोज कोई जाता नहीं ना, दिल भर जाता है, वाह यार क्या लग रही है लाइटें, तिरंगा झंडा बना रखा है। ये है जुरासिक पार्क जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे ख्याल अभी तैयार नहीं हुआ, ओ डायनासोर बना रखा है भाई साहब, भारी बना रखा है, ये अभी तैयार नहीं हुआ, मेरे ख्याल बन रहा है, जुरासिक पार्क बना रहे हैं यहाँ पर, अम्यूजमेंट पार्क बन जाएगा, बढ़िया है, यहाँ पर भी फिर लोग बाग आया करेंगे, थोड़ी सी चहल पहल और बढ़ जाएगी यहाँ पर भी। अभी हम चले हैं भाई, कितना हो गया 59, चले कितने बजे याद नहीं, भूल गया, तो भूलता बहुत जल्दी हूँ थोड़ा सा, ये दिक्कत है, दिल्ली 45 लिखा हुआ है, पहुँच जाइए, कौन सी हमें जल्दी बची है, आराम से पूछेंगे, हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है। चलो भाई अब हम पहुँच रहे हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली यहाँ से होगा करीब 30-35 किलोमीटर, और मेरी शक्ल भी साफ नहीं आ रही है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो मेरी शक्ल ढंग से समझ नहीं आ रहा होगा, दिखा, हाँ थोड़ा थोड़ा सा मैं दिख रहा हूँ, ये देखो अब मैं दिखा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट आ गई है,
अब हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, सेम रास्ता है वही जिस रास्ते से आए थे, तो अब उसी रास्ते पे क्या दोबारा आपको वही सीन दिखाऊं, वही चीजें दिखाऊं। अब सीधा घर पहुंचते हैं, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। कोशिश यही रहेगी थोड़ा जल्दी जल्दी व्लॉग डालूं, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, काम को लेके बिजी हो जाते हैं, कुछ तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा ना मौसम गड़बड़ सा चल रहा है। अब घर जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और कल कोशिश करेंगे इसी वीडियो को डालने की। मिलते हैं जल्दी, सी यू सून गाइस, बाय। भाई साहब अब जाके नरेला बॉर्डर को क्लियर किया है और अभी भी फ्लाईओवर पे दुनिया भर के बैरियर लगा रखे हैं। वो जो बड़े बड़े पत्थर लाए थे ना, जो बीच सड़क में डिवाइडर के लिए यूज होते हैं, उस पे लोहे की तार बांधी हुई है। और मैंने एक टाइम पे सुना था कि भी यहाँ पे जो किसान आंदोलन है वो खत्म हो गया और किसान वापस जा चुके हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को हाईवे पे चढ़ने क्यों नहीं दिया इन लोगों ने, हम लोगों को साइड से क्यों निकाल रहे हैं, इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है उस जगह से, और ये किसान लोगों की वजह से हुआ भाई, थोड़ा सा अटपटा लगता है। इतना भी नहीं करना चाहिए, जब बिजली पानी सब कुछ फ्री मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। चलो सबको अपनी अपनी मजबूरी होती है, इस बारे में बोलना हमारा बेकार है, मगर गवर्नमेंट को भाई थोड़ा सा या रास्ता खोल दो भाई, बहुत दिक्कत होने लगी है। दिल्ली में एंटर करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा रास्ता खोलो सर प्लीज़।